हेलो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में रीडिंग पूछ रहा है अपन को एमीटर की और सिलिकॉन का डायोड बोला है। तो ये मान के चलो पॉजिटिव और नेगेटिव लगाओगे तो ये चीज़ आ जाएगी तुम लोगों की फॉरवर्ड बायस में। दोनों सीरीज में होंगे तो एक ही करंट होगा और वही करंट आपका ये जो एमीटर लगा है ये रीड करेगा। क्वेश्चन काफ़ी आसान है, यहाँ पे 3 वोल्ट है। और कभी मत समझना कि ये आइडियल दिया हुआ है सामने वाले ने। आइडियल होगा तो क्या कर लेते हैं बच्चे लोग, कह देते हैं कि ऊपर एक रेजिस्टेंस दिख रहा है और यहाँ पे एक बैटरी है, ठीक है। ये कंसेप्ट गलत हो गया। आपको समझना है कि 3 वोल्ट है और जो सिलिकन है ये फॉरवर्ड बायस में 0.7 वोल्ट पर चालू होता है। मतलब ये तो अपन थ्योरी पढ़ते हैं, ये कौन सा वोल्टेज होता है बच्चों? थ्रेशोल्ड वोल्टेज। तो 3 वोल्ट है तो इसको अगर मैं बोलूँ 0.7 वोल्ट देना है तो साफ है कि यहाँ पे हो जाएगा 2.3 वोल्ट, है ना। अब डायरेक्ट मिल जाएगा अपन को आंसर। करंट अपन निकाल सकते हैं वी बाय आर, राइट। तो वी कितना हो गया अपना 2.3, है ना। और कह सकते हो आर की जगह पे आ रहा है अपना 200। डेसिमल हटाया तो जीरो आ जाएगा। इसको सॉल्व किया तो आ रहा है 11.5 × 10⁻³। या अपन लिख सकते हैं 11.5 mA। काफ़ी इजी था क्वेश्चन। इसको देखते ही अपन कह सकते हैं कि 3 वोल्ट यूज़ नहीं करना है, है ना। इसको अपन को यूज़ नहीं करना है। इसमें से पहले माइनस होगा कितना जो सिलिकन ले गया, और अगर आइडियल होता तो क्या होता? सर यहाँ तो कुछ जाना ही नहीं है। तो आंसर है अपना इसका ऑप्शन नंबर 2, दैट इज 11.5 mA। थैंक यू स्टूडेंट्स। काइंडली लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल।